अध्यक्ष महोदय मेरी बात को समझा जाए, जो दुख है वहाँ का लोगों को अगर दुख को प्रकट नहीं किया जाएगा आपके पास अनिवार्य नहीं होगा तो लोग झाड़ू मार के हम लोग को भगा देगा। हम लोग सदन में किस लिए आए हैं? अगर जो आए हैं उसका काम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि आज जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तो प्राइवेट बिल पर चर्चा हो रही थी, ऐसे में राजद के विधायक रीतलाल यादव ने अपनी ही सरकार से एक मांग की, जिसके बाद उन्होंने ऐसा कह दिया कि अगर जनता की समस्याओं का हल नहीं होगा तो जनता हमें झाड़ू से मारेगी। और क्या कुछ पूरे अंदर की तस्वीर सामने निकल कर आई है, पहले आप वो देखें। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह सारण जिला के अनुमंडल कार्यालय सोनपुर के पत्रांक 280 दिनांक 24/7/2021 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर द्वारा जिलाधिकारी सारण को समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में पटना जिला के दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस पुरानी पानापुर एवं कासिंग चक को मिलाकर एक ओपी बनावे 280 पत्रांक नंबर 24/2021 को इस सरकार के माध्यम से ही सदन के माध्यम से जवाब दिया गया था। अकिलपुर थाना अंतर्गत अकिलपुर पंचायत दिघवाला के साथ सोनपुर प्रखंड के कस्मर पंचायत के 3 वार्ड, रसालपुर पंचायत के 4 वार्ड एवं दरियापुर के पंचायत के 2 वार्ड तथा गंगा के उस पार अवस्थित है एवं भौगोलिक दृष्टिकोण के सामान्य है, जो मिलाकर एक ओपी बनाया जा सकता है तथा दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस पुरानी पानापुर एवं कासिम चक को मिलाकर एक अलग ओपी बनाया जा सकता है जो पटना पुलिस जिला से संबंध हो। ये जवाब सदन के माध्यम से हमको 2021 से मिला था सर, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। माननीय सदस्य श्री रीत लाल राय जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बातें कही है उससे आप अपना जो विचार उस पर दिए हैं, तो मंत्री जी ने जो कार्रवाई करना चाहिए वो उन्होंने जानकारी दे दिया। मैं अब चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात की होती है तब जब हमारी सरकार के द्वारा प्रतिनिधि भेजकर जब घटना दुर्घटना होता है तो संवेदना व्यक्त किया जाता है, साथ साथ मुआवजा की राशि भी दी जाती है और उसी परिवार के बच्चा से बूढ़ा तक का जो व्यक्ति के साथ घटना घटता है और उसका पोस्टमार्टम के लिए 5 किलोमीटर के बजाय उसको 65 किलोमीटर जाना पड़ता है, कैसा महसूस होगा उसको, जो कि अंग्रेजों के जमाना से हमारे यहाँ जो जिस तरह का बनावट है उसके अनुसार थाना का विस्तार हुआ है। पहले हमारे यहाँ दानापुर थाना था, आवश्यकता पड़ी तो शाहपुर ओपी बना, फिर थाना में तब्दील हुआ, फिर उसके बाद में अकिलपुर ओकिल बना, जब आवश्यकता पड़ा तो थाना में तब्दील हुआ, फिर हमारे यहाँ रूपसपुर ओपी बना, उसके बाद में रूपसपुर थाना तब्दील हुआ। आज क्यों नहीं बनाया जा सकता है जब ओपी की आवश्यकता है तो, आप जब वहाँ के लोगों के लिए, अध्यक्ष महोदय मेरी बात को समझा जाए, जो दुख है वहाँ का लोगों को अगर दुख का प्रकट नहीं किया जाएगा आपके पास अनिवार्य नहीं होगा तो लोग झाड़ू मार के हम लोग को भगा देगा। हम लोग सदन में किस लिए आए हैं? अगर जो आए हैं उसका काम नहीं होगा, जवान बेटा मरता है, जवान पति मरता है किसी का, उसका जवाब कौन देगा? उसका 5 किलोमीटर के बजाय 65 किलोमीटर जाता है हजूर पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करता है, हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हमको जाना पड़ेगा सारण जिला में केस का जवाब देने के लिए, गवाही देने के लिए। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करें? अध्यक्ष महोदय, इसका हमको आपसे निवारण की आवश्यकता है। और गार्जियन हमारे मंत्री महोदय भी है, सभा के अध्यक्ष भी गार्जियन महोदय है, हम चाहेंगे आप लोग इसको निवारण करें, पूरे सदन के सहयोग से इस समस्या के निवारण हम चाहते हैं। माननीय सदस्य, आपने अपने भावना को व्यक्त कर दिया। तो आपने बिहार विधानसभा कार्रवाई के दौरान जो मांग राजद के विधायक रीतलाल यादव ने की थी उसका आपने वीडियो देखा है, और उन्होंने साफ तौर पे अपनी ही सरकार से बड़ी मांग की है और उन्होंने कहा है कि अगर जनता की समस्याओं का हल नहीं होगा तो जनता हमें झाड़ू से मारेगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।